Hello everyone, welcome to Gate Academy. I am Amit Jarola, subject matter expert at Gate Academy. In this video, uh, we will be discussing about quicksand condition. Some people also call sand boiling, so that we can discuss in this lecture. Quick sand condition. Quicksand condition को हम सेंट बॉइलिंग के नाम से भी जानते हैं सेंट बॉइलिंग मैं जानता हूं इफ वॉटर इज फ्लोइंग थ्रू योर सॉयल देन इट द प्रेशर द प्रेशर इज कॉल्ड सीपेज प्रेशर आप यदि मेरे कुछ पिछले वीडियोस देखेंगे जहां पर मैंने डिस्कस किया है इफेक्ट ऑफ सीपेज द इफेक्टिव स्ट्रेस तो वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि यदि वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है सॉइल में तो इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ इंक्रीज। लेकिन सपोज या वाटर इज सपोज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन देन व्हाट विल है अपवर्ट डायरेक्शन इन द वॉटर इज फ्लोइंग स्ट्रेस विल डिक्रीज तो वहां से मैंने एक इक्वेशन डिराइव किया था और वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से था जब आपके सॉइल में अपवर्ड फ्लो हो रहा था तो मैं यहां पे लिख देता हूं ड्यू टू अपवर्ड फ्लो कंडीशन क्या होता है हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस का जो इक्वेशन आया था वो कुछ इस फैशन में आया था कि गामा सबमर्ज इनटू जेड माइनस आई जेड गावा डब्ल्यू इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होते हैं माइनस टर्म आजों का लेकिन डाउनवर्ड फ्लो में इंक्रीज होता है क्योंकि प्लस साइन आता है हमें वहां पर यहां पर यदि सोचिए इफेक्टिव स्ट्रेस आपके कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहे हैं एंड आई डो नॉट वॉन्ट द इफेक्टिव स्ट्रेस टू डिक्रीज बट सपोज ड्यू टू द अपवर्ड फ्लो हाई डिस्चार्ज सपोज देयर सीपेज प्रेशर विल बी मोर सपोज ये टर्म सीपेज प्रेशर जो लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ते बढ़ते सपोज इस टर्म के बराबर हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस किधर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है सीपेज प्रेशर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है सपोज दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया तो सॉइल क्या हो जाएगी सस्पेंशन में हो जाएगी तैरने लगेगा soil? तो यहां पर मुझे एक कंडीशन ऐसी लेना चाहिए कि यदि कुछ इस टाइप का केस होकर हो रहा है जहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो चुके हैं आई डो नॉट इफेक्टिव स्ट्रेस टू जीरो इन माई सॉइल बाय बिकॉज इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो का मतलब का शेयर स्ट्रेंथ खत्म हो गया इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बना होगा सॉइल पर वो कोलैप्स हो जाएगा स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं होगा ये सॉइल का फेलियर है सॉइल में फेल होने के कारण आपकी जो फूटिंग है उसमें सडन सेटलमेंट आ जाएगा तो सपोज किसी कारण से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो चुके हैं जीरो हो चुके हैं गामा सबमर्ज इंटू जेड इंटू माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू जब भी इफेक्ट जीरो होते हैं आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल कंडीशन में आ चुका है तो यहां पर देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू गामा सबमर्स डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू क्या कोई जेड से तो जेड क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है गामा सबमर्स का फॉर्मूला मुझे याद है बेस्ड ऑन आरकमेट इस प्रिंसिपल डिराइव एंड दैट इज जी माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस ई यह था गामा सबमर्स का वैल्यू इन टू गामा डब्ल्यू होल डिवाइडेड बाई एक गामा डब्ल्यू यहाँ अवेलेबल है तो ये मैंने क्या किया गामा डब्ल्यू से ये गामा डब्ल्यू क्या हो चुके हैं कैंसिल तो यहाँ से आप देखेंगे मुझे आई का वैल्यू मिल चुका है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का दैट इज जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस ई देखिए यहाँ से मुझे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का इक्वेशन क्या मिलता है जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस ई तो ये है मेरे पास इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई को हम क्या बुलाते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आईसी को हम क्या बुलाएंगे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इफ यू वॉन्ट आई कैन राइट द नेम इट इज कॉल्ड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सो ये था आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर्मूला क्या है जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस ई जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स है E क्या है आपका वाइड रेशो है सॉइल का यहां पर क्या मैं बोल दू यदि मैं सपोज कोई भी एक हाइड्रोलिक uh, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ डैम क्या मैं बोल दू बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम सॉइल में क्या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होने वाला है वो मुझे पता है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन ई द ऑनली द करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी जी है वाइड रेशो ई है जहां भी आप, आपका डेम uh, कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं वहां का सॉइल कलेक्ट कीजिए उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लीजिए वॉइड रेशो कैलकुलेट कर लीजिए आपको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू मिल जाएगा नो वॉट इज द यूज ऑफ दिस क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेट आई वॉन्ट टू डिस्कस एक्चुअली क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है इसका मीनिंग यह है कि यदि आप आपके डेम के अंदर इस वैल्यू से बड़ा ग्रेडियंट रखते हैं तो आपका सॉइल क्विक सैंड कंडीशन में चला जाएगा मतलब आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा सॉइल का जीरो हो जाएगा हाउ लेट मी एक्सप्लेन सपोज इफ आई टेक वन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी डैम ये सपोज आपके पास क्या है एक ग्रेविटी डैम है आई कैन से इट इज ग्रेविटी डैम यहां पर आपके पास इसको हम क्या कहते हैं आप स्ट्रीम हेड कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं डाउन स्ट्रीम हेड कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं वाटर किधर फ्लो होगा ये पूरा बेस जो है ये सॉइल है अच्छा यहाँ पर ये अर्थन डैम नहीं है यदि अर्थन डैम होता है अर्थन डैम मींस मेड ऑफ सॉइल तो ये जो वाटर होता है हाई हेड से लो हेड की तरफ सॉइल में से होते हुए पास होता मींस थ्रू द बॉडी ऑफ डैम ये पास होता लेकिन ये ग्रेविटी डैम है मेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी तो इस सिचुएशन में वाटर को फ्लो तो होना पड़ेगा बिकॉज देर इज अड डिफरेंस यह अप स्ट्रीम हेड है यह डाउन स्ट्रीम हेड है दोनों के हेड में डिफरेंस है देन वाटर शुड फ्लो वाटर फ्लो किधर हो रहा है हाई हेड से लो हेड की तरफ यहां से यहां की तरफ सो आई कंफर्म वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम यदि अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ वाटर फ्लो हो रहा है तो ये देखो कुछ इस फैशन में वाटर फ्लो होगा ये वाटर फ्लो हो रहा है कुछ इस फैशन में सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो आई कैन से आप नोटिस करिए ये वाटर यहां से किधर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और यहां किधर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में आप क्या करिए सपोज मैं आपको कह दू यहां का जो ये है ये हेड है ये एच वन है यहां पर जो हेड अवेलेबल है डाउनस्ट्रीम में वो एच टू है तो क्या मैं कह दू लॉस जो अवेलेबल है दैट इज H1 वन माइनस एच अवेलेबल है आपको हेड लॉस पता है लेंथ ऑफ फ्लो भी पता है पानी किसा फ्लो हो रहा है पानी इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो सपोज से जो फ्लो पाथ है टोटल लेंथ ऑफ फ्लो है सपोज इट इज नोन टू मी आई नो हाउ टू कैलकुलेट दैट आई हैव कैलकुलेटेड सपोज तो सपोज लेंथ ऑफ फ्लो एल भी मुझे क्या है पता है तो क्या मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कह दू जिसे हम कहेंगे एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या नॉर्मली यू कैन कॉल ए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नो प्रॉब्लम तो मुझे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पता है डेल्टा एच बाई एल यहां से इस डेम के लिए इस सॉरी के लिए इसका वैल्यू आ चुका है आई आई एग्जिट यदि आपके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू छोटा है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेम आई नो द वैल्यू ऑफ आई सी जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस ई वी हैव डिराइव देयर वी नो द वैल्यू तो आई सी यदि पता है आई एग्जिट में निकाल लू तो मुझे पता लग जाएगा कि क्या फिनोमिना होने वाला है यदि ऐसी सिचुएशन हो रही है इसका मतलब क्या है कि आपका डेम जो है वो सेफ कंडीशन में है सो so, यहां पर नो क्विक कंडीशन यहां पर क्विक कंडीशन ऑकर नहीं हो रही है क्विक सेंड कंडीशन का मीनिंग क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेस का जीरो हो जाना अभी इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो रहा है क्या यहां पर नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि आपका हेड लॉस इतना है पहुंच ही नहीं पा रहा है ना आपके अंदर आई एग्जिट जो है वो बहुत कम है क्रिटिकल की तुलना में क्रिटिकल मैंने अभी आपको डिराइव करके बताया है इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो करके जब भी आई जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा या इसको क्रॉस कर जाएगा इससे बड़ा हो जाएगा तब मेरे लिए क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी कि इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो चुके हैं सॉइल में यहां पर देखते हैं यदि आई एग्जिट बड़ा आ चुका है आईसी से देन वॉट विल हैपन देन क्विक एंड कंडीशन विल हैपन क्विक एंड कंडीशन दिस विल हैपन इट विल ऑकअर तो क्या मैं कह दू ये सेफ कंडीशन होगा और ये आपके लिए अनसेफ कंडीशन होगा किस तरीके से सेफ अनसेफ होगा मैं यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करता हूं सपोज आई हैव टेकन वन डैम ग्रेवी डेम जिसके नीचे सॉइल प्रेजेंट है यहां अप स्ट्रीम है यहां डाउनस्ट्रीम है दोनों के हेड्स में डिफरेंस अवेलेबल है सो डेफिनेटली वाटर वॉटर फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड और वाटर कैसे फ्लो होगा इन इट विल नॉट फ्लो थ्रू द बॉडी ऑफ डेम इट विल फ्लो थ्रू द तो कुछ इस फैशन में वाटर सपोज फ्लो हो रहा है दिस इज द लेंथ ऑफ फ्लो यदि कुछ इस फैशन में वाटर फ्लो हो रहा है वी शुड नोटिस वन थिंग यहां पर जो फ्लो है वो कैसा है डाउनवर्ड डायरेक्शन रहा है और यदि आप मेरे वीडियोस देखेंगे कुछ पिछले वीडियोस जहां पे मैंने डिस्कस किया है इफेक्ट ऑफ सीपेज ऑन द इफेक्टिव स्ट्रेस तो मैंने आपको बताया है जब भी सॉइल के अंदर डाउनवर्ड फ्लो होता है हमने डिराइव भी किएशन जब भी सॉइल में डाउनवर्ड फ्लो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस विल ऑलवेज इंक्रीज तो इस जगह पर भी आप स्ट्रीम में देखिए फ्लो क्या है डाउनवर्ड है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होते चले जा रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं यहां का सॉइल डेंस हो रहा है यहां पर कभी भी सॉइल फेल नहीं होगा बात करते हैं इस जगह की वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो होता चला गया फ्लो होता चला गया तो जैसे ही वाटर फ्लो हो रहा है मैं क्या देख रहा हूं यहां पर डाउन स्ट्रीम में जाते जाते हैं यह फ्लो का डायरेक्शन क्या हो चुका है अपवर्ड डायरेक्शन हो चुका है और अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी सॉइल में अपवर्ड फ्लो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होते हैं डिक्रीज होना चालू हो जाते हैं और जब भी इफेक्टिव स्ट्रेस आपके डिक्रीज होते हैं इट मे रीच अप टू जीरो ऑल्सो सो so, यहां पे मुझे पता लगता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हो रहे हैं लेट मी टेक द क्रिटिकल कंडीशन की इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गए तो क्या होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस यहां के क्या हो चुके हैं जीरो हो चुके हैं जब इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गए तो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ भी जीरो हो गई क्योंकि मैंने सैंडी सॉइल ले रखा है आई विल डिस्क्राइब मैंने एक सैंड सॉइल ले रखा है कोहेजन सॉइल है ये जब इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गए सस्पेंशन में है अभी भी वाटर फ्लो हो रहा है क्योंकि हेड डिफरेंस मेजर हेड डिफरेंस अवेलेबल है हाई हेड से लो हेट की तरफ वाटर को फ्लो करना ही पड़ेगा यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल्स सेक्ट इसके इफेक्टिव स्टेट तो जीरो हो गए तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करेंगे अब इतनी जगह पर कोई भी सॉइल पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है अगेन न्यू वॉटर इज कमिंग वो इस पार्टिकल्स को जो यहाँ यहां पर तो पार्टिकल्स है ही नहीं यहां जो पार्टिकल्स है उसको पुश करेगा तो धीरे धीरे ये पार्टिकल्स भी हट गए धीरे धीरे ये पार्टिकल्स भी हट गए तो जैसे जैसे वाटर आएगा सॉइल के पार्टिकल्स को पुश करता चला जाएगा और सभी पार्टिकल्स डेम के नीचे से क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे मतलब आप ये नोटिस करेंगे कि डेम के नीचे एक होलो पाइप फॉर्म हो चुका है पूरी तरीके से पार्टिकल्स जो थे सॉइल के वो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं फ्लो हो चुके हैं और अपस्ट्रीम में जा चुके हैं तो डैम के नीचे एक होलो पाइप फॉर्म हो चुका है इन दिस पाइप देर इज नो सॉइल इफ देर इज नो सॉइल इन दिस पाइप देन हु विल टेक द वेट ऑफ दिस ग्रेविटी डैम सॉइल था तो डैम का वेट रजिस्ट हो रहा था इस पाइपिंग के कारण इस फेलियर के कारण जैसे जैसे क्विक सैंड कंडीशन होकर होते गई

इस टाइप के फेलियर को जिसमें आपके पास पाइप फॉर्म हो जाते हैं डेम के नीचे क्या नाम देते हैं हम फेलियर का पाइपिंग फेलियर सो दिस फेलियर इज कॉल्ड पाइपिंग फेलियर तो क्विक सेंड कंडीशन का एक और नाम मैं इंट्रोड्यूस करता हूं पाइपिंग फेलियर तो मेरे पास कितने नाम हो चुके हैं एक नाम हो चुका था क्विक सैंड कंडीशन दूसरा नाम हो चुका था सेंड बॉइलिंग कंडीशन थर्ड नाम में यहां पर दे रहा हूं दट इज ऑल्सो नोन एज पाइपिंग फेल और यह पाइपिंग फेल्योर इस पाइपिंग फेलियर के कारण डैम को लेप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छा मैं क्या चाहता हूं पाइपिंग फेलियर ना हो तो मुझे क्या करना चाहिए क्वेश्चन ये कि पाइपिंग फेलियर हो क्यों हो रहा था पाइपिंग फेलियर इस कारण से हो रहा था जब एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बड़ा हो गया क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से तब ये पाइपिंग फेलियर हो रहा था क्योंकि इस जगह के इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो चुके थे जीरो सभी पार्टिकल्स फ्लो करते जा रहे थे तो मुझे इस सिचुएशन को पहली सिचुएशन में कन्वर्ट करना है इस जगह पर आपका सॉइल पूरी तरीके से सेफ से है इस जगह पर सेफ नहीं है तो इस कंडीशन को मुझे इस कंडीशन में लाना है आप देखिए यदि आप इस कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं यू डू नॉट वॉन्ट पाइपिंग फेलियर इन यूर सॉइल इन बिलो योर डेम देन आई शुड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आई विच यू हैव प्रोवाइडेड मैंने आई एग्जिट की बात किया एग्जिट मतलब इस जगह पे जब पानी फ्लो हो रहा है तो क्या लॉस अवेलेबल है डेल्टा एच लॉस अवेलेबल है फ्लो पाथ कितना अवेलेबल है एल फ्लो पाथ फ्लो फ्लाथ मतलब क्या फ्लो यहां से यहां तक का हुआ दट इज फ्लो पाथ इतना डिस्टेंस पूरा एल हो जाएगा यदि इसका वैल्यू मैं कम कर दू आई एग्जिट का किससे कम करना है मुझे आईसी के ये वाली कंडीशन मुझे लाना है आईसी से यदि मैं छोटा कर दूं तो मेरा डैम फेल नहीं होगा तो क्या कंट्रोल इसको कम करना चाहता हूं मैं क्या करूं मैं कैसे कम करूं ना यू विल थिंक कि मुझे एल बढ़ा देना चाहिए तो डेफिनेटली एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यहां पर मेरे पास दो ऑप्शन है इसको कम करने के लिए पहला ऑप्शन तो ये कि एल बढ़ा दो ये कम कर दो ये एल बढ़ा दो लेंथ ऑफ फ्लो पाथ तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा दूसरा दूसरा ऑप्शन हो सकता है मेरे पास कि इसको कम कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बात करता हूं मैं पहले वाले ऑप्शन का ये दो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है यदि मैं इसको कम करना चाहता हूं तो क्रिटिकल से भी कम लेंथ ऑफ फ्लो पाथ बढ़ाना है लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कैसे बढ़ाऊं ये जो डेम का विथ है ना इसको इंक्रीज कर दो डेम का विथ्थ इंक्रीज हो गया वाटर को हाई हेड से लो हेड तक जाने में बहुत ज्यादा पाथ कवर करना पड़ेगा एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडेंट क्या हो चुका है कम होता चला जाएगा आप सोचिए इफ आई गो विथ दिस ऑप्शन कि मैं लेंथ ऑफ फ्लो बढ़ा दू मीन्स विथ्थ ऑफ डैम इंक्रीज कर दू वाइडर डैम प्रोवाइड कर दू एक बड़ा विथ्थ का सो लेट मी टेल कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द डैम्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफ श्योर स्ट्रक्चर डायरेक्टली रिलेटेड टू दाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री तो ऐसा नहीं है कि आपके मन में आया ज्यादा वीट से प्रोवाइड कर दो तो हम पाइपिंग फेलियर से बच जाएंगे तो आप ज्यादा वीट से प्रोवाइड कर देंगे नो इट विल बिकमॉमिकल सो वी कैनॉट गो विथ दिस ऑप्शन सो दिस ऑप्शन आई कैन कैंसल नो वी हैप्शन इसको कम करना है तो हेड डिफरेंस को कम कर दो हेड डिफरेंस कम कैसे होगा <laughs> या तो इसको बढ़ा दो डाउन स्ट्रीम में तो रिवर्स ये है मतलब विलेजेस uh, होंगे कुछ सिटीज uh, होगी पॉपुलेशन होगी तो ये तो आप नहीं बढ़ाते अदरवाइज फ्लड विल कम तो ये ऑप्शन नहीं हम कर सकते हैं। इसको नहीं बढ़ाया जा सकता या तो फिर इसको कम कर दो इसको यदि कम कर दोगे तो हेड डिफरेंस भी कम हो जाएगा इसको भी हम कम नहीं कर सकते इसको कांस्टेंट रखकर इसको कम कर दो तो भी हेड डिफरेंस क्या हो चुका है कम हो चुका है वो भी हम नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हमने जो वाटर स्टोर किया है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने स्टोर किया है या तो किसी प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया होगा या और किसी पर्पस से किया होगा जिसके लिए मुझे कुछ सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है तो वो हेड को भी मैं डिक्रीज नहीं कर सकता हूँ फॉर द गिवन वैल्यूज तो मेरे पास सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो चुका है नहीं है यह भी मैं नहीं ले सकता हूं मैं क्या करता हूं मैं पहले वाले ऑप्शन के साथ ही जाता हूं किस फैशन में जाता हूं वो मैं डिफाइन करता हूं यहां पर मुझे तो लेंथ ऑफ तो फ्लो बढ़ाना है ना कि लेंथ ऑफ तो सॉइल बढ़ाना है ना ही विर्थ ऑफ तो डेम बढ़ाना है मुझे लेंथ ऑफ तो फ्लो बढ़ाना है तो मैं क्या करता हूं लेंथ ऑफ तो फ्लो बढ़ाने के लिए इस अपस्ट्रीम के बाद इस डाउन स्ट्रीम में एक शीट पाइल प्रोवाइड कर देता हूं मैंने क्या किया एक शीट पाइल प्रोवाइड किया दिस शीट पाइल मेड 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 ऑफ 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 कंक्रीट, वुड, स्टील नंबर ऑफ टाइप आर अवेलेबल फॉर द शीट पाइल डिपेंड्स अपॉन डिजाइन। अभी मैंने क्या किया? एक शीट पाइल प्रोवाइड किया जैसे मैंने अब वाटर आप आप क्या करेगा कुछ सफेसिक स्पेसिफाइड लेंथ का ये मैंने इस तरीके से फ्लो होगा लेकिन ये डाउन स्ट्रीम में जा ही नहीं पा रहा है इसको तो हाई हेड से लो हेड की तरफ जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा इस शीट पाइल के इतनी डिस्टेंस को भी क्या करना पड़ेगा कवर करना पड़ेगा तो आप देखिए जब मैंने शीट पाइल प्रोवाइड नहीं किया था तब तो वो डायरेक्टली डाउन स्ट्रीम में चला जाता था वॉटर लेकिन जब मैंने शीट पाइल प्रोवाइड कर दिया तो क्या हो रहा है वॉटर को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है मतलब मैंने क्या कर दिया लेंथ ऑफ फ्लो पाथ

क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस ई तो आपका डेम क्या हो जाता है पूरी तरीके से सेफ हो जाता है इन पाइपिंग फेल्योर इस सिचुएशन में पाइपिंग फेलियर ऑकर नहीं होगा अब देखते हैं यदि मैं बोल रहा हूं कि आई सी बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेम मुझे पता है जी माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस ई सॉइल कलेक्ट करो जी जी एस्टिमेट करो ई e एस्टिमेट करो वैल्यू निकाल दो आईसी का ये वैल्यू मुझे मिल रहा है सपोज सिक्स क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सिक्स विल नॉट बी देयर ओके फॉर रेंडम वैल्यू लेट मी एज्यूम रेंडम वैल्यू आई एम टेलिंग सिक्स और मैं कह रहा हूं एक्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मेरे पास तीन है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया यहाँ पर पहले तो यह मैं बात करता हूँ ये डेम सेफ है या नहीं है बिल्कुल सेफ है क्योंकि आई लेस देन आई सी है क्रिटिकल तक आप जब पहुंचते हैं या उसको पार करते हैं तब पाइपिंग फेलियर ऑकर होता है तब क्विक सैंड कंडीशन ऑपर होता है तब सैंड बॉइलिंग ऑकर होता है अभी तो लेस देन है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा सेफ कंडीशन हो जाएगी तो यहां पर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसकी लिख देता हूं कि यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी बनती है इसकी टू कैसे निकाला मैंने सो so, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं अगेंस्ट द पाइपिंग फेलियर इट इज़ इक्वल टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइड बाय एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके अगेंस्ट चाहिए अगेंस्ट दाइपिंग फेल्योर अगेंस्ट दाइपिंग और क्विक सेंड कंडीशन और सैंड बॉडिंग ऑल्सो वी कैन से सो दिस इज वॉट द पिक्चर वी हैव ये तो मैंने रेंडम वैल्यूज लिखा था मैं रब कर देता हूं सो so, यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मेरे पास फार्मूला बन चुका है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइड बाय एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो आप जो भी आपका डेम डिज़ाइन करने वाले हैं बिफोर द कंस्ट्रक्शन आप उस पर अब एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितना हेड रखने वाले हैं क्या फ्लो पाथ होने वाला है क्या वहाँ पर शीट पाइल की जरूरत है फॉर द गिवन सॉइल या नहीं है लगता है कि हाँ ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन वन आ रहा है तो आपको क्रिटिकल कंडीशन मिलना है और Uh, मतलब सॉइल जो है वो सेफ कंडीशन में है यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक से बड़ा आ जाता है तो और यदि एक्जैक्टली exactly एक आता है मतलब क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है लेस देन वन आ जाता है मतलब पाइपिंग होने वाला है तो अकॉर्डिंगली वी विल डू दी ट्रीटमेंट एंड वी विल प्रोवाइड शीट पाइप अदर मेथड्स आर ऑल्सो अवेलेबल यहाँ पे फिल्टर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो सॉइल्स को डाउन स्ट्रीम में जाने से रोकते हैं तो दिस वॉज द कम्प्लीट पिक्चर ऑफ क्विक एंड कंडीशन जो मुझे ये बताता है कि किस तरीके से पाइपिंग ऑकर होता है और किस तरीके से मैं इस पाइपिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ सो दिस वॉज द कंप्लीट लेक्चर बेस्ड ऑन क्विक्स एंड कंडीशन सैंड बॉइलिंग और वी कैन से पाइपिंग फेलियर आई होप यू गैस इंजॉयड थैंक यू